नमस्कार दोस्तों, आप सभी का रोजाना खाना में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं आंवले का लड्डू। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि क्या क्या चीज हमें आंवले का लड्डू बनाने के लिए चाहिए। तो हमने आधा केजी आंवले लिए हैं और आधा केजी हम बूरा लिए हैं, जिसका हम चाशनी बनाएंगे। और 1 कप घी लिए हैं हम, 1 कप घी, देसी घी। और 100 ग्राम नारियल कद्दूकस किया हुआ बारीक बारीक। और 50 ग्राम हमने लिए हैं काजू। और 25 ग्राम हमने लिए हैं बादाम। और हम सौंफ लिए हैं 1 छोटा चम्मच। और 4-5 इलायची लिए हैं। तो आइए चलते हैं हम आंवला को उबालने। तो आधा लीटर हम पानी डाल देंगे पतीले में, स्टील का ही पतीला लें, क्योंकि आंवला कासा होता है, तो अल्मीनियम में नहीं उबालने चाहिए। गैस को ऑन कर देंगे और पानी गर्म होने देंगे। पानी हमारा गर्म हो गया है, इसमें हम आंवले डाल देंगे उबालने के लिए। और 10 मिनट तक हम आंवले को उबालेंगे नरम होने तक। और आंवले को ढक्कन से ढक दीजिए ताकि जल्दी उबल जाएगा। आंवले हमारे लग रहा उबल चुके हैं, चेक करते हैं हम कि उबले हैं कि नहीं उबले हैं। एक आंवला हम निकाल लेंगे प्लेट में, इसको हाथों से दबा के देखेंगे। हाँ, आंवले हमारे नरम हो गए हैं, यानी कि उबल गए हैं। तो गैस ऑफ कर देंगे हम। आंवलों को हम छान ले रहे हैं पानी से, इसका पानी निकल जाए। इसका पानी हम फेंकेंगे नहीं, इसी पानी को हम चाशनी में डालेंगे, क्योंकि ये शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद है आंवले का पानी, जो हम लोग बाल में भी यूज करते हैं। और हमारे आंख आंख के लिए भी बहुत ही अच्छा है, और स्किन के लिए भी हमारे बहुत ही अच्छा है। तो आंवले को हम ठंडा होने के लिए 5 मिनट के लिए रख देते हैं किसी हवादार जगह पे। हमारा जो आंवला का पानी बचा है उबले हुए आंवले का, तो हम उसी पानी का चाशनी बनाएंगे। तो कप से हम 1 कप पानी डाल लेंगे, 1 कप पानी कढ़ाई में डाल लेंगे। और गैस को ऑन कर देंगे। चाशनी हमारा जब तक बन रहा, जब तक आइए हम आंवलों को घिस लेते हैं। आंवले हमारे घिस के रेडी हो गए हैं, ये देखिए। चाशनी अभी पकने में हमारा टाइम है, 5-7 मिनट और लगेगा। 5 मिनट इसे हम पका लिए हैं, अभी 5 मिनट 10 मिनट 10 मिनट लगता है। दूसरे तरफ हम कढ़ाई गरम करके आंवले को भूनेंगे घी में। अब हम कढ़ाई में घी डाल रहे हैं, कढ़ाई हमारा गरम हो गया है। आंवले को इसी में डाल के हम भूनेंगे। घी हमारा पिघल गया है, तो इसमें हम आंवले जो घिस के रखे हैं वो डाल के भूनेंगे 5 मिनट तक, जब तक इसका पानी आंवले का जल जाएगा तब तक हम आंवले को भूनेंगे। बिल्कुल पानी जल जाएगा आंवला का।
चाशनी भी हमारा रेडी हो रहा है और हमारा आंवला भी भून के रेडी हो रहा है। आइए तो फिर चाशनी को हम चेक कर लेते हैं कि बना है कि नहीं। तो एक छोटा सा प्लेट में हम गिरा लेंगे, इसको ठंडी होने तक देखेंगे कि ये जम रहा है कि नहीं जम रहा। ये देखिए चाशनी हमारा बिल्कुल जम रहा है, बहुत अच्छी तरह से तार बन रहा है इसमें। ये देखिए चाशनी भी हमारा रेडी हो चुका है और आंवले आंवला भी हमारा भून गया है। ये देखिए अब इसमें हम मिक्स करेंगे दोनों को, चाशनी है। चाशनी बिल्कुल बन के रेडी हो चुका है, अब इसमें हम आंवले डालते हैं। अब इसमें हम आंवले डाल देंगे चाशनी के अंदर। देखिए और इसको हम 2-3 मिनट तक और पकाएंगे। और इसमें हम डालेंगे ये घिसा हुआ नारियल, टुकड़े में कटा बादाम, ये इलायची, और इसे हम चला देंगे अच्छी तरह से। ये देखिए इस तरह से ये देखिए हमारा बिल्कुल आंवले का पानी सूख चुका है। अगर आपको लगे कि 2-3 मिनट में पानी इसका नहीं सूख रहा है तो आप 2-4 मिनट और सुखा सकते हैं, आपको पता लग जाएगा पानी सूखने के बाद इस तरह से ढेर हो जाएगा ये। अब इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे, ठंडे होने के बाद लड्डू बनाएंगे। तो घी को हाथ में लगा लेंगे, चिकना कर लेंगे हाथ को। ये देखिए इस तरह से इस तरह से हम लड्डू बनाएंगे इस तरह से। और हम इसे नारियल घिसा हुआ में इस तरह से चिपका लेंगे। ये देखिए इस तरह से एक आंवले के बराबर का लड्डू बन के रेडी है। ये देखिए इसी तरह से हम दूसरा भी बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से दूसरा भी लड्डू हमारा बनके रेडी है।